Hey guys, this is Mohit Dua from Zero to Infinity. Please subscribe my channel and also tap on bell icon. Thank you. नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में आपको ये बताऊंगा कि इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनकी यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि इसके पीछे लॉजिक का काम करना है। बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएंगे हम। जैसे कि 2 to the power 1 का मतलब होता है 2, 2 to the power 2 का मतलब 4, 2 to the power 3 का मतलब होता है 8, 2 to the power 4 का मतलब होता है 16, 2 to the power 5 का मतलब होता है 32, 2 to the power 6 का मतलब होता है 64, 2 to the power 7 का मतलब होता है 128, ऐसे ही 2 to the power 8 का मतलब होता है 256 एंड 2 to the power 9 का मतलब होता है 512। आपने एक बात देखी, जब 2 की पावर 1 थी तो इसका आंसर आया था यूनिट डिजिट पे 2, जब 2 की पावर 2 थी तो इसका आंसर आया 4, फिर 8, फिर 16, उसके बाद 4 जब पावर हो गई, 2 की पावर 4 हो गई, उसके बाद आंसर हमारे जो हमारी यूनिट डिजिट है वो हमारी सिमिलर होने लग गई। 1 पे जो उसकी यूनिट डिजिट थी वो हमारी 5 पे आने लग गई, 2 2, देन 4 4, देन 8 8, देन 16 6 6। तो हर 4 बार के बाद पेयर बदल जाते हैं। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं 2 to the power 72 जो को हम सॉल्व करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 72 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। सो जो आंसर 2 to the power 4 को सॉल्व करने का जो इसकी यूनिट डिजिट आती है वही एग्जैक्टली 2 to the power 72 को सॉल्व करने के बाद आएगी, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई है 4 4 के बाद पेयर बदल जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करते करते फर्दर ऑन 72 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। सो जो वैल्यू हमारी 2 to the power 4 को सॉल्व करने के बाद आएगी वही वैल्यू हमारी आएगी 2 to the power 72 को सॉल्व करने पे जो यूनिट डिजिट पे आएगी। सो जो 2 to the power 5 आएगी, 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, सो रिमेनिंग क्या बचा, जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा रिमाइंडर आएगा क्या, 1। सो जो वैल्यू 2 to the power 1 पे आएगी वही 2 to the power 5 पे आएगी, क्योंकि 5 डिविजिबल बाय नहीं है 4 से, 5 से छोटा डिविजिबल कौन सा होता है 4 से, जो 4 है। तो उसके बाद इसके बाद कितना एक्स्ट्रा है, 1 एक्स्ट्रा है, तो जो वैल्यू 2 to the power 1 पे आएगी वही 2 to the power 5 पे आएगी। ऐसे कि आपने देखा 2 to the power 5 पे 32 आया था, इसकी यूनिट डिजिट क्या थी 2, 2 to the power 1 पे भी क्या आया था 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2 to the power 172 कैसे आएगा, इसकी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, फिर दोबारा वही आएगा, 172 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। सो आपको सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो 3 डिजिट के क्वेश्चन डिजिट होती हैं, 3 डिजिट के नंबर्स होते हैं, जैसे कि 172 के डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं है, आपको कैसे पता लगेगा, लास्ट 2 डिजिट अगर इसकी डिविजिबल बाय 4 होगी तो ये भी नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। जैसे कि 2178 इज 78 डिविजिबल बाय 4, नॉट 76 डिविजिबल बाय 4, बट 78 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, सो ये नंबर पूरा पूरा डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा। अगर किसी भी डिजिट की, चाहे वो 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर हो, 5 डिजिट नंबर हो, 7 डिजिट हो, कितने भी नंबर डिजिट नंबर हो, उसकी अगर लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल बाय 4 होगी तो वो पूरा का पूरा जो डिजिट है, पूरा पूरा जो नंबर है सॉरी, तो वो डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा और ये नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा कि लास्ट 2 डिजिट किससे, 4 से डिविजिबल बाय। ठीक है, जैसे मैं 2 क्वेश्चन बोलता हूँ 2 to the power 192 कि हमने यूनिट डिजिट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, यूनिट डिजिट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, उससे पहले देखेंगे हम 192 इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। सो 192 में से मैंने आपको बताया लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे 4 के डिविजिबल है कि नहीं है, सो 92 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। सो जो 2 to the power 4 की वैल्यू आएगी वही 2 to the power 192 की आएगी। ठीक है, क्योंकि 2 to the 4 क्या है, पेयर बन रहे हैं, 4 4 के मैंने बताया आपको पेयर बन रहे हैं, सो 92 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 है, तो ये 4 के पेयर में लास्ट में आएगा। तो 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 to the power 16, तो 6 यूनिट डिजिट पे आएगा। और ऐसे ही होता हूँ 22 की पावर 23, ये ऐसे सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है 22 की पावर 23। सो यहाँ पे मैटर ये नहीं करता कि यहाँ बेस क्या है, मैटर यह करता है पावर क्या है, 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, सो 20 इज डिविजिबल बाय 4, तो जो वैल्यू 22 को 23 की पावर 3 की होगी वही एग्जैक्टली 22 की पावर 23 की होगी, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या है हमारा, हमारे पास आ रहा है फिर दोबारा 3 आ रहा है, सो 22 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 22 क्या आएगा, 2 टू द 4 4 टू द 8,
इसकी यूनिट डिजिट पे आएगा। थोड़ा सा आगे फर्दर बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। सो मैंने आपको बताया है 2153 ऐसे कि जो है बेस वो मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है पावर। पावर क्या है इसकी 167। इज 167 डिविजिबल बाय 4? नॉट, नो, बिकॉज वी नो दैट 67 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। सो 64 इज डिविजिबल बाय 4। तो 167 जो डिविजिबल बाय 4 नहीं है, 164 डिविजिबल बाय 4 है। तो हमारा 164 से कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो 2153 की पावर 3 आएगी सॉल्व करने के बाद वही आंसर आएगा 2153 की पावर 167, क्योंकि 3 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि 164 डिविजिबल बाय 4 है। जो हम पेयर बनाएंगे 4-4 के, तो 164 लास्ट में आएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा कितना बचेगा 3। तो जो वैल्यू 2153 की बाद 2153 को सॉल्व की पावर 3 को सॉल्व करने के बाद आएगी वही इसके डिजिट के सॉल्व करने के बाद आएगी। तो 2153 मल्टीप्लाई 2153 मल्टीप्लाई 2153 को सॉल्व करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यूनिट डिजिट पे कोई मैटर नहीं करता कितनी भी आगे डिजिट हो, क्योंकि 13 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो हमारा आएगा 169, और 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तब भी आएगा 9। तो यूनिट डिजिट पे मैटर नहीं करती कि 13 हो या फिर 213 हो या फिर 2133 हो, कोई मैटर नहीं करती। तो ये 4 डिजिट का नंबर है, तो लास्ट की डिजिट लेंगे हम यूनिट डिजिट 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 3 3 9 9 3 27, सो 27 इज अ यूनिट डिजिट, 7 इसकी यूनिट डिजिट है जब हम सॉल्व करेंगे 2153 की पावर 167 को। सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। 264 की पावर क्या है 102, 102 डिविजिबल बाय 4 नहीं है, 100 डिविजिबल बाय 4 है। तो इसके ऊपर पावर कितनी है एक्स्ट्रा है 2, तो 264 की पावर 2 वो ही आएगी जो 264 की पावर 102 है। जब इसका यूनिट डिजिट को सॉल्व करेंगे दोनों का आंसर सेम आएगा हमेशा, क्योंकि हमें, मैंने आपको बता रहा, बार बार बता रहा हूँ कि हमें गैप बनाने हैं 4-4 के, तो 100 इसके 4 के गैप में आएगा, उसका एक्स्ट्रा कितना आएगा 2, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे 264 एक्स्ट्रा कितना 100 से, फिर 3, तो हम दोनों को, इन दोनों को सॉल्व करना है। 264 मल्टीप्लाई 264 प्लस 264 मल्टीप्लाई 264 मल्टीप्लाई 264, 3 टाइम्स है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 टाइम्स है, 264, 4 मल्टीप्लाई 4, ये हमें यूनिट डिजिट को देखना है, 4 4 16, यूनिट डिजिट यहाँ पे कितनी आई 6, उसके बाद 4 4 16 मल्टीप्लाई 4 64, यहाँ पे डिजिट कितनी आई 4, यहाँ 6 थी प्लस 4 थी यहाँ 10, तो यूनिट डिजिट कितनी हो गई 2। सो इसका आंसर क्या होगा 0, सॉरी 10 थी तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गई 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0। ये क्वेश्चन CPO के अंदर आया हुआ है, फिर डिस्कस करते हैं हमको, हम इसको डिस्कस करते हैं फिर दोबारा से। बेस हमारे लिए मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है पावर। 1793 डिविजिबल बाय 4 नहीं है, क्योंकि हमें एक बात पता है, लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल बाय 4 होते हैं तभी ये क्वेश्चन पूरा पूरा जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 4 होता है। तो 93 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, 92 इज़ डिविजिबल बाय 4, सो एक्सीड कितना है 1, सो 2464 की पावर 1 मल्टीप्लाई 615 की पावर 317। तो 317 हमें पता है कि 4 से डिजिबल नहीं होता, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 17 है, 17 डिजिबल 4 नहीं होता, 16 डिजिबल बाय 4 होता है, तो 316 होता है, एक्सीड कितना 1, फिर दोबारा 615 की पावर 1, ये एक्सीड कितना है 1, एक्सीड है 4 डिजिबल बाय 4 से, तो 131 की पावर 491 डिविजिबल बाय 4 नहीं होता, तो क्या होता है 88 होता है। तो एक्सीड कितना है 3 एक्सीड है, एक्स्ट्रा कितना है 3 है, तो 1331 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1331 की पावर 3, इसको अगर शॉर्ट में करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। उसके बाद 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 1 क्या होता है 4 मल्टीप्लाई, 5 की पावर 1 क्या होता है 5 ही होता है मल्टीप्लाई, 1 की पावर अगर 3 लिखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 भी 1 ही होता है, तो 5 4 20, यूनिट डिजिट कितनी आ गई 0। अगर इसकी आप प्रैक्टिस 3-4 बार कर लोगे तो सिर्फ और सिर्फ 3-4 सेकंड्स में इतने बड़े आंसर, इतने बड़े 3 डिजिट क्वेश्चंस के आपको आंसर ओनली 3-4 सेकंड्स में इसका आपको आंसर मिल जाएगा।